हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाँ थोड़ी होस्ट ते दोस्त मोनी गिल। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ कुलदीप गिल, ते तुसी देख रहे हो जस्ट चिल विद मिस्टर एंड मिसेस गिल। लो जी, मिस्टर मिसेस गिल चिल कराते हैं हर समय एक नए आर्टिस्ट के साथ, एक नए रंग के साथ। लेकिन आज हम लोग जो चिल करने वाले हैं वो करने वाले हैं हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, जो भी थोड़ा बहुत बंगाली भी सीखेंगे आज, राइट? सो जी, जेड़े शख्स के साथ हम लोग आज चिल कर रहे हैं, वन ऑफ वेरी फाइन सरोद मास्टर, और इनको बहुत सारे अवार्ड के साथ नवाजा भी गया है। बड़ी खुशी होती है जब ऐसा फनकार ज्वाइन करता है और जो अपने काम को पूजा समझता है। ये सबसे बड़ी बात है कि अपने काम को पूजा समझना, ना कि उसको काम समझना, ये सबसे बड़ी खासियत होती है एक आर्टिस्ट की। लो जी, ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम स्वागत करते हैं मिस्टर शुगोटो रॉय चौधरी। नमस्कार फ्रॉम USA। नमस्कार, सत सत श्री अकाल शगोतो जी, आई होप यू आर डूइंग गुड। दैट्स या आई एम गुड, गुड, योरसेल्फ? आई एम डूइंग वेरी गुड, वंडरफुल। अच्छा, आपको हमारा आवाज़ सही से सुनाई दे रहा है? जी, चलो, अच्छी बात है। सो आज हमारे साथ शुगोटो रॉय चौधरी जी हमारे साथ हैं। करेक्ट मी योर नेम इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, सो यू कैन से इट अगेन। नो नो, यू आर प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, ओके, करेक्टली, दैट्स नो गुड। प्रॉब्लम। शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 2 डेज योर नेम, सो आई सेड डोंट वरी, इट विल बी फाइन। आई वांट टू मेक श्योर दैट आई प्रोनाउंस राइट, यू नो, टू ऑनर या ऑनर माई फेवरेट आर्टिस्ट। एंड हु इज गोना अकंपनी यू टुडे ऑन तबला? या ही इज माय फ्रेंड, यू कैन, ही इज लाइक मेरा भाई जैसा ही है, भाई जैसा, दीपरंजन घोष। अमेजिंग दीपरांजन, तबला क्या फ्रॉम बात आवर है, होम टाउन, शांति निकेतन। या तो अरे वाह। हम लोग एक एक साथ बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी तो लॉकडाउन की वजह से इतना मिलना तो मुश्किल है। आफ्टर द लॉकडाउन वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 6 months एक्चुअली। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड इतना अच्छा तबला बजाते, जब मैंने साउंड चेक में इनको सुना था ठेका लगाते हुए, तो तभी समझ गया था कि ही नो व्हाट शी इज डूइंग। दैट्स गुड। सो आज जो हमारी ऑडियंस है, सबसे पहले उनको बता दें कि इस वक्त आप कहाँ पर बैठे हैं ये बताएं, कौन से शहर में इंडिया के कहाँ पर हैं? मेरा होम टाउन जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, ये जगह का नाम है शांति निकेतन, आप वाह, लोग जानते होंगे। यस, टेगोर सिटी वेयर यू नो टेगोर फॉर्म द आश्रम वेयर पीपल केम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड स्टडीड हियर। सो इट्स नाइस एनवायरनमेंट, सो आई ग्रो अप देयर So बेसिकली। you were born and brought up in Shanti Niketan. I'm not draw, born in Shanti Niketan, but I'm brought up since I was a small kid. तो हमारे जो ऑडियंस है उनको ये बताएं कि आप इतना अच्छा सरोद बजाते हैं, तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताएं, क्योंकि आपके फादर म्यूज़िक लिसनर थे, बहुत अच्छे म्यूज़िक लिसनर, लेकिन उनको नहीं आता था, लेकिन आपने ये चीज़ को पकड़ा। सो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ। पहले ये बताना चाहता हूँ कि मेरा अपब्रिंगिंग जो है वो बहुत खास था, क्योंकि पिताजी वो खुद आर्टिस्ट थे, फाइन आर्टिस्ट थे, स्कल्पचर करते थे, और ही वाज प्रिटी वेल नोन। लेकिन उनका गाना बजाने का, सुनना का बहुत शौक था, और वो मेरे पिताजी बहुत कम उम्र से वो संगीत तो उसके बाद मेरा जब जन्म हुआ, मैं तो जन्म के पहले से ही संगीत सुनता रहता हूँ घर वाह, में, टेप पेट में में। मॉम के। जी, तो माहौल ऐसा ही था कि सुबह से रात तक पापा बहुत सारे म्यूजिक सुनते थे, और हम लोगों को भी सुनना पड़ा। तो
अब हम चाहते या नहीं चाहते, लेकिन हम लोगों को भी सुनना सुनना पड़ा, पड़ता ऐसा ऐसा ही था। लाइक हम लोग को अच्छा ही लगता था, तो ऐसा ही माहौल पहले से ही था। फिर मुझे बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स में से जब मैं पहली बार नोटिस किया कि किसी का सरोद वादन, मुझे वो भी पता नहीं था कि सरोद देखने में कैसा है, वाह लेकिन वो जो आवाज सुन के मुझे इतना इमोशनली, यू नो, इट टच्ड मी। सो मैंने पिताजी को पूछा, ये किसका म्यूजिक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो पापा ने बोला कि ये उस्ताद अली बहुत बड़ा सरोद वादक है, तो उस्ताद अली अकबर खान, उस्ताद अली अकबर अकबर खान खान, साहब। तो अली अकबर खान साहब के आवाज़ इतना अच्छा लगा कि मैं तो पूरा एकदम सरेंडर कर दिया हमको, हाँ कि इसको तो मैं भगवान मानता हूँ। और मेरा पिताजी भी ऐसे ही उनको मानते थे, क्योंकि क्या बात है। तो और देखिए, मेरे पिताजी पागल आदमी थे गाना बजाना सुनने के लिए। तो बहुत सारे कलाकार, मशहूर कलाकार हम लोग के देश में से, उनको बहुत करीब से, यू नो, जानते थे। दे टू क्लोज, सो दैट्स व्हाई आई आल्सो, यू नो, गॉट टू मीट देम, एंड इट हैपेंड वेरी नेचुरली। तो वैसे भी मैं पहले तो अली अकबर खान साहब का सुना, फिर ऐसा हो गया कि मैं हर रात उनका रिकॉर्डिंग, ये कैसेट ले के, मेरा एक वॉकमैन था, मैं रात को सोने जाता था उनको सुनते सुनते क्या ऐसे बात ही। है। तो फिर मुझे पता चला कि सरोद देखने में कैसा है, उनको जब देखा कि लाइव बजाने, तब देखा सरोद देखने में कैसा है, और उसका इन्वॉल्वमेंट, उनका जो इन्वॉल्वमेंट था सरोद के साथ, वे तो पूरा अंदर घुस जाते थे। तो मैंने सोचा कि ये तो एक पूजा जैसा है, तो ये तो दिखाने का चीज नहीं है ना, तो उनका नेचर भी ऐसा ही था। वाह वो देख के भी मुझे बहुत ऐसा हुआ कि मैं, नहीं, मैं तो सरोद सीखना चाहता हूँ। और उनका जो लाइफ का जो विधि है, वही मैं फॉलो करना चाहता हूँ। क्या बात। मुझे शौक शौक था। फिर मैं 10 साल से सरोद सीखना शुरू किया। 10 साल की उम्र से When you दस, were 10 year old है ना। तो जेड़े कौन से, हमारी जो ऑडियंस है उनको बता दूं कि जब आप कहते हो ना कि मैंने सरेंडर कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है एक आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि जब ग्लास खाली होगा ना तब उसको भरा जा सकता है, लेकिन ग्लास अगर ऑलरेडी फुल है तो आप उसमें कुछ नहीं भर सकते क्योंकि ऑलरेडी फुल है। तो ये एक आर्टिस्ट के लिए ये कहना कि मैंने सरेंडर कर दिया, इसका मतलब कि मैं खाली हूँ, अब मुझे भरो। तो जब वो कुछ भरेंगे, चाहे वो जूस है, पानी है, अमृत है या जहर है या कुछ भी उसमें भर रहे हैं ना, वो आपके अंदर समा जाता है पूरा का पूरा। सो तब आर्टिस्ट एक ट्रू आर्टिस्ट बनकर आता है। तो आई एम वेरी ग्लैड कि आप माई टीवी पर आए हैं, क्योंकि मैंने आपका जब से सरोद मैंने सुनना शुरू हुआ है, इसमें बहुत बड़ा थैंक यू जाता है मेरे भाई का, एजाज शेर अली जी का। तो उन्होंने जब मुझे बताया कि जी, अरे आप ही, आप इतना अच्छा सुनती हैं तो आपको एक मैं आर्टिस्ट देता हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा उनका हाथ है। तो उन्होंने मुझे पहली बार आपका सुनाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा प्लीज़ मुझे मिलाओ, आई वाना टॉक टू हिम, और हम लोग इनको माई टीवी पे डालें। तो ये जर्नी मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि पॉसिबल नहीं हो पाता। एजाज शेर अली जी, बहुत 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 शुक्रिया फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड आई टेल यू शोगोता जी, there are a couple of people watching. Ejaz Sher Ali ji is watching you सलाम बस। and he's writing salam to you. And हेलो एजाज भाई, Yamina Mitha, अस्सलाम वालेकुम. Sony Singh is watching. Ejaz Ali ji again माय on my टीवी, TV. Chimney Kumar, welcome. Gurjeet रिंकू Singh, जी, Rinku, again great Sunday. Satinder Singh Bozal, he's a very young talent, classical singer from Punjab Gharana.
He says Moni Gill and Kuldeep Gill, nice human being and surreal host, and always bring good artists on the platform. Thank you so much. So we are so thankful. Bob Singh I watching. am so thankful to Ajaz I am very thankful, and we both are very thankful to you to, give us this opportunity to share some musical moment and some chat with you Pleasure is on ours. this. Pleasure is ours, sir. So before we talk about you more and more, because that's what we're gonna do. You are such a humble personality. Let's begin with थोड़ा सा म्यूजिक हो जाए ताकि रूह है तो उसको भी थोड़ा चैन आ जाए. ओके जी सो आज अब शुरुआत कैसे किससे करना चाहेंगे? पहले हम लोग सोच रहे कि अभी तो वहाँ इट्स आफ्टरनून आफ्टरनून जी. सो आफ्टरनून राग करते हैं तो ओके राग का नाम मधुबंती है तो मधुबंती क्या बात. छोटा सा आला बजा के फिर हम गत लेंगे ये विलंबित तीन ताल और द्रुत तीन ताल जी राग मधुबंती जी जी इरशाद शुरू करें. Thank you.
Thank you.
अमेजिंग, वाह जी वाह, आपके लिए तो है सॉरी, आपके लिए तो डबल तालियां हैं, तबले के लिए भी तालियां हैं। तबले सर आपने जी जो विलंबित लय बजाई और फिर गत बजाई, तो जो लोग इंस्ट्रूमेंट्स को ज़्यादा नहीं सुनते, तो आई पिक्चराइज समथिंग विच आई एम गोना शेयर टू यू माय फीलिंग्स। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मीरा जी गंगा के किनारे पे खड़ी हैं अरे वाह। और कृष्ण को याद कर रही हैं, एंड ही इज़ नॉट कमिंग, एंड फाइनली शी इज़ प्रेइंग और गंगा जी वहाँ बह रही हैं, और बेसिकली गंगा जी रो रही हैं दैट ही इज़ नॉट कमिंग। एंड एट द एंड जब आपने तेज बजाया देन कृष्ण जी कम एंड नाउ हर हार्ट इज डांसिंग, सो दैट्स व्हाट आई फेल्ट। थैंक यू, दिस स्टोरी टेलर। इतना इतना अपनी इतने फीलिंग और इतनी सफाई आपके नोट्स में है सर, इट्स 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 एन अचीवमेंट। कोशिश कर रहा हूँ, सर हम लोग कोशिश तो कोशिश कर सकते हैं ऐसे। नहीं, बहुत कमाल, और तबले वाले ने भी बहुत ही कमाल की संगत की सर। ही डिड ए वंडरफुल जॉब, ही जस्टिफाइड हिमसेल्फ, ही जस्टिफाइड टू बी कॉल्ड ए तबला प्लेयर। और जो हमारी ऑडियंस है उनको बता दे कि इमेजिन कि जो सुर जो जो इनके हाथों ने बजाया, अगर वो हमारा गला गा रहा हो तो इमेजिन कि वो ऊपर वाले नोट से नीचे आना, और इतनी स्मूथनेस हाथ में, इतनी स्मूथनेस, अमेजिंग, वेरी नाइस। एंड यू सेड दैट यू सरेंडर योर सेल्फ टू द म्यूजिक, आई सॉ दैट। जब आप बजा रहे थे आपकी आंखें बंद थी, आपको सरोद के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था सर। इसलिए कि सुर सुर से हिल ना जाए, वो ओह इस सुर में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करना पड़ता है, पूरा ध्यान से। स्पेशली सरोद जैसा इंस्ट्रूमेंट, ये तो फ्रेटलेस है ना, तो जो दिल का सुर है वो सांस से निकालना तो मुश्किल की काम है, लेकिन बिल्कुल सही, कोशिश जारी है। पूरा लाइफ के लिए तो ये तो कोशिश चलता ही रहता बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात की आपने। सरोद में जो ना फ्लैट है, है। सितार में फिर भी वो बने लूप्स बने हैं सितार के अंदर, पता है कि ये, लेकिन एक चीज फाइंड आउट करना पड़ता खुद उंगलियों से पता करना है। पड़ता है कि कौन सा सुर कहाँ पर है, बहुत हार्ड। जी, अच्छा एक और, मैं थोड़ा सा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ये दिखने में रबाब के जैसा है लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है, वो हमारी ऑडियंस को बताओ कि हाँ उसमें रबाब में और इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, जो इसका जो जो शेप है वो रबाब जैसे ही है, जी लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका जो जो स्ट्रिंग्स है जी ये तो सब स्टील का है या ब्रोंज का है, जी और रबाब में तो वो फ्रेटलेस ही है। लेकिन अभी देखिए, जो सरोद का जो मॉडिफिकेशन हुआ है, जो इतने सालों से उसका मॉडिफिकेशन हुआ है, उसका तो रबाब का तो कुछ इन्फ्लुएंस तो है ही। और कभी-कभी कह जाता है कि वो ये जो रबाब बाज है, तो जब इंडिया में रबाब म्यूजिशियन लोग आए थे तब इसका जो स्टाइल का डेवलपमेंट हुआ या सरोद वादन का, वो थोड़ा रबाब से तो मिलता ही है। जी लेकिन हाँ, ये सरोद तो जो 100 साल पुराना या 150 साल पुराना जो इंस्ट्रूमेंट का जो रूप मिलता है, वो अभी तो ये जो मॉडर्न सरोद है उससे तो ये तो समय के साथ इसके मॉडिफिकेशन हुआ है, बहुत सारे लोग किया है। अभी उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, जी अली अकबर खान साहब के पिताजी, और उनके भाई साहब, छोटे भाई सरदार आयत अली खान साहब, उन लोगों ने भी बहुत मॉडिफिकेशंस लाए हैं, स्पेशली इस घराने का सरोद सरोद पर। जी जी किसी ओके ने एक बहुत अच्छा कमेंट लिखा है, उसने बॉब सिंह फ्रॉम लंदन ने लिखा है, रिमाइंड मी ऑफ उस्ताद अमजद अली खान साहब आफ्टर लिसनिंग टू यू।
अमजद अली खान साहब इज़ अ वेरी बिग नेम इन सरोद ऑल्सो। बिल्कुल। और चलो वापस अभी आपकी स्टोरी पे वापस जाते हैं। आज्ञापाल जी लिख देने कीप रॉकिंग इज आवर टीवी पार्टनर। और क्या और मोहित मोहन सिंह जी वाक्य लिखते हैं, क्या बात मोहन सिंह जी। सुबान सुल्तानी सिंगर जी लिख रहे हैं, वाह माशाल्लाह जी। और इधर किसी ने लिखा था, मेरी पूरी फैमिली वॉच कर रही है, या यमीना मिथा, मेनी पीपल लिसनिंग एट माय हाउस इंक्लूडिंग इंदु मिथा, मसूद अनवर, आलिया डॉटर ऑफ सुरैया मुल्तान कर जी। क्या बात है, थैंक यू। आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें देख रहे हैं। तो आपकी अगर कोई फरमाइश है कि आज शगोटू रॉय चौधरी क्या बजाएंगे, मैं आज पूरा नाम लेने वाली हूँ हर बार क्योंकि मैंने इतना रट्टा मारा है इस नाम का। सो वापस आपके चाइल्डहुड में जाते हैं कि आपने 10 साल की उम्र में आपने शुरू किया कि मैंने सरोद बजाना है, तो फर्स्ट परफॉर्मेंस आपने कब दिया और कहाँ पर दिया जो आपको याद हो कि ये दिस इज यू नो अभी मैंने यही बजाना है। परफॉर्मेंस के पहले तो एक बड़ा जो समय था सीखने का जी, अभी भी है क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। देखिए पहले तो मैं जब उस्ताद अली अकबर खान साहब के जो उनका बेटा उस्ताद ध्यानेश खान साहब से शुरू किया, मेरा मेरा शुरुआत उन्हीं के साथ हुआ था, लेकिन वो बहुत कम उम्र में गुजर गए। फिर उनके बड़े भैया उस्ताद आशीष खान साहब से भी थोड़ा तालीम लिया। उसके बाद मेरा गुरुजी जिसके साथ मैं बहुत समय बिताया और मुझे मौका मिला उनके साथ सीखने के लिए जी। वो मेरे पिताजी के भी खास दोस्त थे, एक साथ स्कूल में भी पढ़े थे। वो बहुत महान कलाकार थे और टीचर भी थे, गुरु भी थे। तो उनका नाम संतोष बैनर्जी, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम लाइक यू नो लास्ट ईयर। अभी मैं उस्ताद अली अकबर खान साहब के एक पुराने शागिर्द जी और बहुत मशहूर कलाकार और गुरु मैं पंडित राजीव ताराना जी से भी सीखता हूँ। सीखने का मौका मिल रहा है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ उनसे तालीम। सर अभी आप जो कह रहे हैं कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, कई लोग तो आपके जितना 10% भी नहीं सीखते और उस्ताद बन जाते हैं। बन जाते हैं वो। मेरा इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं है कि मैं खुद को उस्ताद बोलूं। उस्ताद क्योंकि जिन लोगों को सुन के बड़ा हुआ हूँ तो मुझे ऐसे लगता है अरे बाप रे क्या ये लोग सब गाना बजाना किए हैं, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। क्या बात है। तो सर मजा तो तब है कि आप खुद उस्ताद ना बोले, लोग आपको उस्ताद बोले। तो मैं परफॉर्म करना शुरू किया, मैं वो क्वेश्चन में आता हूँ कि मैं परफॉर्म करना शुरू किया करीब सिंस 98-99। छोटा परफॉर्मेंस, ये घरवा जैसा होता था जी। जो छोटा महफिल में बजाना शुरू किया, तब से मैं शुरू किया था। ओके, कोई ऐसा मोमेंट याद है कि कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको हमेशा याद हो, कोई ऐसा इंसिडेंट ऐसा हुआ हो? हाँ ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं बहुत परफॉर्म करने के लिए जब कहीं जाना है और परफॉर्म करना है मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ कि क्योंकि आप जो संगीत में कंसंट्रेशन देते हैं फिर आपको जब पब्लिक के सामने कुछ प्रेजेंट करना होता है तब तो वो मेरे लिए बहुत
ऐसा ही लगता है कि अरे इतने सारे लोग बैठे हैं तो मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ ऐसे। लेकिन हाँ मेरे लिए बहुत देखिए, मैं एक बार आई थिंक इट वॉज 2009, तो मैं सप्तक में बजाने के लिए गया। सप्तक फेस्टिवल अहमदाबाद में होता है, आप शायद जानते होंगे कि 13 दिन का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, जनवरी 1 से 13 जनवरी तक। जी बेसिकली म्यूजिकल मेला होता है वो, हर आर्टिस्ट, टॉप का आर्टिस्ट वहां पर होता है। जी और मुझे मालूम नहीं क्यों हमको बुलाया गया, तो मैं शायद टेस्ट के लिए बुलाया गया, तो एग्जामिनेशन था मेरा, तो मैं गया। और वहाँ उस दिन मेरे बाद उस्ताद रशीद खान साहब परफॉर्म करने वाले थे, अरे क्या वाह। बात है, उसके बाद उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला सोलो था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रशीद खान साहब हैड टू कैंसिल हिज ट्रिप, और आई डोंट रिमेम्बर, मे बी ही केम लाइक यू नो 2 days लेटर और समथिंग। सो मेरे बाद, तो उस दिन वो दो ही आइटम था, मेरे बाद उस्ताद जाकिर हुसैन जाकिर का भाई तबला। तो क्या बात इतने सारे लोग देख के तो मैं घबरा गया, इतने सारे तो कभी ऑडियंस में नहीं नहीं देखा। नहीं देखा। तो लेकिन मैं तो गुरुओं को स्मरण करके मैं शुरू कर दिया, लेकिन उनके पहले स्टेज लेना ये तो मेरे लिए तो ह्यूज, बहुत बहुत बड़ी बात। जी 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 तो फिर क्या पब्लिक का जी क्या रिस्पांस कैसा आया? वो बारे में नहीं, मैंने नहीं सोचा अच्छा था अपना बजाने का उस सोचा। जी जी मैं सोचा कि हमको बजाना है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि शादी के पहले मैं क्या बजाऊं फिर। अरे वाह, जाकिर भाई इतना बड़ा नाम है इटसेल्फ, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला, सेम स्टेज मिलना बड़ी किस्मत की बात है, यू नो, सो यू आर लकी इन अ वे। आई नो इज वेरी शाई पर्सनैलिटी, लोगों को देख के घबरा जाते हैं। मैं एक फ़नी बात बताऊं, हम लोग साउंड टेस्ट कर रहे येस्टरडे, तो ये कह रहे आप ना मुझे दिख नहीं रहे और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने बोला कि आप क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो वैसे ही आंखें बंद करके बजाते हो, मैं दिखूं या ना दिखूं क्योंकि जब साउंड टेस्ट करे तो आधा घंटा इन्होंने सिर्फ आंख बंद करके बजाया, तो ये मेरे को दिख ही नहीं रहे तो वही बात आती है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि सामने एक बैठा है या हज़ार बैठा है, जब आप बजा रहे हो और आप दिल से बजा रहे हो तो वो दिल तक आवाज़ पहुंच जाती है। समझ में आ रहा है, अब हिंदी ऊपर से जा रहा कोशिश तो करता हूँ अंडरस्टैंड लेकिन करेंगे कुछ कुछ समझ में आता है हाँ कुछ कुछ तो समझ में आता है। मेरा जी। हिंदी इतना अच्छा नहीं है, टूटा फूटा है, माफ कर अरे दीजिएगा। नहीं, बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे सर हो, जिस काम के लिए आप आए ना वो आपका परफेक्ट परफेक्ट है। हिंदी ऊपर नीचे चलेगा सर, सब कुछ ऊपर नीचे सुर ऊपर चलेगा। नीचे नहीं चलेगा अच्छा जी, तो फिर उसके बाद आप विदेश, जो फर्स्ट एवर कोई ऐसा आप पहली बार कंट्री छोड़कर बाहर किसी कंट्री में गए बजाने, वो कब मौका मिला? दैट वॉज ईयर 2000। मैं तब मेरा एक पढ़ाई का सिलसिला चल रहा था, फिर उस वक्त मुझे एक कॉन्सर्ट टूर का ऑफर मिला, तो मैं तो दुविधा में पड़ गया कि क्या करूं। दुविधा में दुविधा या दुविधा दुविधा यू गॉट इट। तो क्या करूं। मामी ने बोला कि ये तो पढ़ाई तो खत्म करके जाओ फिर टूर करना, हाँ लेकिन मैं सोच रहा अरे शायद एक बार ही जीवन में एक बार ही मौका मिल रहा है पहुंचा। वो कौन सी फिर कंट्री, कौन सी कंट्री थी? यूरोप में ओ पापा ने बोला कि नहीं, तो तुम जा सकते हो। फिर मम्मी का बात भी सुनना है, तो फिर
मैंने सोचा कि अच्छा चला ही जाऊं, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम, इट वाज इन 2000 एंड दैट वाज अ वेरी लॉन्ग टूर, दैट वाज फॉर लाइक 3 मंथ्स। मैं घर छोड़ के इतने दिनों के लिए कभी बाहर नहीं रहा, तो आई वॉज बीइंग वेरी होम सिक ऑल थ्रू द टूर। सो माँ की बहुत याद आई तब, है ना? माँ का हाँ खाना, माँ की डांट, माँ का प्यार, है ना? सबसे तो ज्यादा सिंस है टूरिंग टूरिंग एवरी ईयर, तो आई गो टू यूरोप एवरी ईयर। आई हैव बीन टीचिंग देयर, यू नो आई हैव फ्यू स्टूडेंट्स हियर एंड देयर, ऑल्सो प्रोग्राम भी करता हूँ। जी। सो लाइफ का जो सो फर्स्ट अवार्ड मिला, द फर्स्ट अवार्ड, वो कब मिला और किस परफॉर्मेंस पे मिला आपको? अवार्ड मैं याद नहीं है, मतलब इतने मे सारे बी मिले। नहीं, अवार्ड जैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक जगह परफॉर्म करने गया, तो हमको एक वो जो होता है ना सर्टिफिकेट दिया गया या था, या तो वो मेरे लिए अवार्ड जैसा ही था। ऑफ कोर्स वो अवार्ड ही है। वो पेपर अवार्ड तो है। जी, तो वैसे तो मिलता ही था इधर उधर प्रोग्राम करने के बाद इंडिया में, तो लेकिन ये तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि हर परफॉर्मेंस मेरे लिए अवार्ड है। अरे वाह, वाह, क्या बात है! अमेजिंग सर, यू आर वेरी अमेजिंग। बेसिकली यस, परफॉर्मेंस और लोगों का एप्रिसिएशन। मैं तो देखिए पिछले साल वो जहाँ हमारे इजाज़ भाई भी शामिल थे आगा और आगा उनको खान भी जी, तो उसका जब मैं मेल रिसीव किया, मैंने सोचा ये कोई स्पैम होगा, मैं डिलीट करने ही वाला था, समझ रहे ना। हाँ जी मैं देखा मेल, इतना सारे स्पैम्स आता है ये मेल बॉक्स में, मैंने सोचा वैसा ही कुछ होगा। फिर हमको एड्रेस किया गया था DSO का, तो मैंने सोचा ठीक है तो पढ़ के देखूं, तो वहां लिखा था कि जो ऐसा कुछ अवार्ड का फंक्शन हो रहा है और आई हैव बीन नॉमिनेटेड, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्यों हमको ऐसे अवार्ड के लिए बुला रहे हैं, कोई हमको जानता भी नहीं है, और मैं इतना भी पब्लिक नहीं हूं कि मेरा नाम वहां नॉमिनेटेड हुआ है। लेकिन आई वॉज रियली वेरी वेरी सरप्राइज So you went there, you कहां से हम। basically. जी, और इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, एंड थैंक्स टू दैट आई कुड मीट लॉट्स ऑफ गुड म्यूजिशियंस एज वेल एज यू नो इजाज़ भाई, सो इट वॉज रियली नाइस। तो वहां पर आपको लाइव बजाने का मौका भी मिला, जी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि जब इतने सारे नॉमिनेशंस में इतने सारे ट्रेंड और उस्ताद लोग वहाँ पर, ऑलमोस्ट लाइक उस्ताद लोग वहाँ पर मौजूद हों, जहाँ इतने अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हों, सिंगर हों, तो प्रेशर और हाई हो जाता है, एंड स्पेशली यू शाई पर्सन, तो फिर वो कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये देखिए कंपटीशन जैसा नहीं नहीं फील हुआ मुझे। मुझे ऐसे लगा कि यहाँ कुछ ऑफरिंग देना है, तो मैं हाँ यू नो इजाज़ भाई भी थे और मेरे और कोई दोस्त को भी, मैं शी वाज बीन नॉमिनेटेड टू, आई मीन शी इज आल्सो वेरी वेल नोन सिंगर फ्रॉम लेबनन, ओके सो आबिर नेहमे, तो उसको भी उधर देखा कि अरे आप भी इधर है, तो फैमिली एनीवे सो इट वाज लाइक यू नो गेट टुगेदर या एंड ऑल्सो लाइक एन ऑफरिंग, इंक्लूड विद सो अवार्ड्स, फैमिली गेट टुगेदर विद रिवॉर्ड्स। मुझे ऐसा फील है, मुझे फाइनल यू नो जो 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 स्पेशल अवार्ड मिले या ना मिले,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन लोगों के साथ जो समय बिताने का जो मौका मिल रहा है या और उन लोगों के साथ शेयर करना करने का भी मौका मिल रहा है, और हमारे जो सेरेमनी होने के बाद भी सो हम लोग सब इकट्ठा होके थोड़ा गाना बजाना किया, अरे वाह, वही बहुत सबसे बड़ी बात है वो। या या जी 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 और आपकी यही चीज़ बहुत अच्छी है कि आप कभी भी क्रेडिट अपने आप को नहीं देते हो, फुल ऑन क्रेडिट जो होता है, जैसा कि आपने कहा तो कि भाई मैं ईमेल डिलीट करने वाला था तो क्रेडिट अपने आप को थोड़ा बहुत दे दिया करो हाँ वो तो मैं कैसे हमको खुद को क्रेडिट क्रेडिट तो मैं तो ढूंढ रहा हूँ, कुछ ढूंढ रहा हूँ। वाह क्या बात है, ये तो लाइफ टाइम प्रोसेस है, तो मिल जाएगा तब खुशी होगी ओके। अब पीछे तबले वाला बेचारा बोर हो रहा है तो तो उसको थोड़ा बिजी करते हैं उसको हम बोर नहीं होने देंगे, तो अभी अभी आपसे हम कुछ सुनेंगे ताकि वो बेचारा कुछ बजा जी। सके तो क्या सुनाएंगे अभी? कुछ प्लान नहीं किया लेकिन ओके, जो दिल में आता है। लवजीत सत श्री अकाल, जगपाल मासी सत श्री अकाल, कवल सचदेवा जी वेरी हम्बल, वेरी हम्बल पर्सन और एक मिनट मैंने श्रीतमा रुद्र, अमेजिंग रुद्र। ओके, राहुल रैना जी वेलकम बैक, श्रीतमा शीतोबा, ओके। मोहन सिंह, ऐसा कोई जिंदगी से वड्डा तो नहीं उस्ताद अमजद अली खान, प्लीज। बिल्कुल वाह जी, जी वाह, कोरकर शंकर अमेजिंग, नासिर कुरैशी लिखते हैं अमेजिंग। चलो कौन सुनते हैं, तो जी हम लोग मिश्र काफी में कुछ सुनाते हैं।
Thank you.
जब आपको सुनते हैं आपकी आंखें तो बंद होती हैं, लेकिन आप हम लोगों को भी मजबूर कर देते हैं, हमारी भी बंद हो जाती हैं, अब हम भी अपनी आंखें बंद करें और इसमें डूब जाएं। और इसी बात पे एक बहुत अच्छी हमारी म्यूज़िक लिसनर हैं, विभाजी। विभाजी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनती हैं, तो वो कह रही हैं कि आज मैं, विभाजी लिखती हैं कि लाइट बंद, आंख बंद और सुकून से भरा ये म्यूज़िक ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, सही बात है। सर ये दिल्ली से हैं, ज्यादा दूर नहीं आपसे। और इंटरनेट ने इतना, इंटरनेट बहुत अमेजिंग हो गया कि हम लोग देखो अमेरिका में बैठकर इनके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं और दुनिया में कोने कोने से लोग हमें देख रहे हैं, चाहे वो लंदन हो, दुबई हो या कोई सी भी कंट्री हो, वहाँ से हमें देख पा रहे हैं। ये इंटरनेट का एक बहुत एक अच्छा यूज़ है इंटरनेट का, कि हम इसने वर्ल्ड को एकदम से ऐसे मिला दिया, जोड़ के रखा हुआ है, कि हम लोग दूर नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। जब आप म्यूज़िक एक ऐसी तार है, म्यूज़िक एक ऐसी तार है कि सबको जोड़ कर रखती है, ना उसमें हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, या कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो कुछ नहीं देखती, वो हमको एक ही तार में जोड़ कर रखती है। एकदम सही बात। सो मैं आपसे पूछूंगा सर, कभी ऐसा हुआ आपके साथ जैसे किसी ने हरिहरन जी को बोल दिया मुन्नी रे गाने के लिए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने बोला मैं बंगाल से हूँ, आपको किसी ने कहा कि बप्पी लहरी का कोई गाना बजा के सुनाओ? या मिथुन दा के जैसा डांस करके दिखाओ? ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है, हुआ है? लेकिन मैंने बोल दिया कि मुझे मालूम है किशोर जी का गाना तो मैं बजा नहीं सकता, तो जी किशोर जी थे, मैं कैसे सरोद पर किशोर जी का गाना बजाऊं। अरे वाह। ऐसा होता है, कई बारी होता है यहाँ पर। एक बारी किसी ने गुलाम अली खान साहब आए थे, तो उनको कोई किसी ने पी रखी थी सामने, गुलाम अली खान साहब को उठ के बोले पंकज उदास का गाना सुनाओ, तो वो बोले सर मेरे हाथ जुड़ गए हैं, मैं नहीं गा सकता। अच्छा तो अभी ये बताएं कि आप फ्री होते हो जब घर में, तो सबसे ज्यादा रियाज के बाद सबसे ज्यादा क्या करते हो? मैंने तभी रियाज भी इसमें से आउट कर दिया कि इसके अलावा और क्या करते हो। हाँ ये सही बात है कि क्योंकि मैं रियाज नहीं करता हूँ और मुझे ज्यादा से ज्यादा रियाज करना चाहिए, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से मुझे ये शांति निकेतन घर में रहना, अभी तो देखिए मैं घर में ही हूँ और बहुत दिनों से जो काम बाकी पड़ा था कि मैं पिताजी का जो इनॉर्मस म्यूजिक कलेक्शन है जी, उसका डिजिटाइजेशन मैं कर रहा था कि करीब पिछले 8-9 साल से कर रहा हूँ, और अभी यहाँ रहने का ये एडवांटेज हुआ है कि मैं अभी वो आर्काइव में थोड़ा कंसंट्रेशन कर सकूं, और मैं हर रोज उनका जो सब स्पूल टेप्स है, रिल टू रिल टेप्स है, वो जो कैसेट्स है, वहां से मैं ट्रांसफर करके वो सब
डिजिटल मीडिया में कर रहे हो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, सो आई एम नंबर वन फैन, आई एम वेटिंग कि आप वो कब अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। तो आप वो अपने यूट्यूब चैनल से भी डालेंगे राइट? जी जी मेरा मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, लेकिन वो पिताजी के स्मृति में हम लोग एक फाउंडेशन फॉर्म किए हैं लास्ट 2 इयर्स। सो हमारा एक चैनल वो सरबरी राय रॉय चौधरी फाउंडेशन, तो उसी चैनल से हम म्यूजिक अपलोड कर। ठीक है जी, तो मुझे एक आप फेवर करेंगे आफ्टर द शो, आप मुझे वो लिंक भेजेंगे ताकि वो मैं इस वीडियो में डाल सकूं, ठीक है? ताकि जो हमारी ऑडियंस है जो म्यूज़िक लवर है तो वो उसका इंतज़ार कर सके कि इमेजिन की जो आपके फादर के पास इतना अमेजिंग म्यूज़िकल कलेक्शन पड़ा है तो वो उसको हम लोग भी सुन पाएंगे, तो इससे अमेजिंग बात क्या होगी। हाँ, मेरे पिताजी, मैं पहले भी कहा कि ही वॉज रियली वेरी स्पेशल, एंड आई मीन how much energy and love, passion, everything he has put to collect this music and just for listening to this, you know, great music. He spent lots of time, energy, love, passion for this. So he has collected music from different sources, you know, in India, even from abroad. He had lots of friends to exchange music. They'd like, you know, they were like music lovers and exchanging music in between them. So, of course, he also recorded himself from some concerts, you know, carrying, like, that time the cassette recorder wasn't yet. So he was recording with a big reel-to-reel machine, which was, you know, 20 to 25 kilo. Wow. So carrying that to concerts, places to do places. This record. Sir, I'll ask you a question. Jaise aapne bataya ki aap bahar ke desh mein gaye and Ejaz bhai met you and you guys become a very good friends. So agar Pakistan se aapko ke invitation aata hai ki wahan jaake concert karne ka, will you go there and perform? Of course, right? मैं इजाज भाई को कब से बोल रहा हूँ कि मैं बहुत दिनों से मेरा ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, वहाँ का माहौल देखना चाहता हूँ, वहाँ के म्यूजिशियन लोगों को मिलना चाहता हूँ। और देखिए, इंडियन क्लासिकल जो है वो इंडिया तो पूरा एक पाकिस्तान इंडिया ऐसा तो नहीं था, तो वहाँ से भी बहुत उस्ताद लोग आए हैं। और ये आई थिंक दिस लैंग्वेज इज द सेम, यू नो, फॉर सो मैं जरूर पाकिस्तान जाना चाहता हूँ और इजाज भाई को मिलना चाहता हूँ। मैं भी, और अरे हमारे बहुत सारे दोस्त भी उधर है, यामीमा जी भी अभी पाकिस्तान में ही है। तो जी, तो मैंने इसलिए सवाल आपको ये पूछा जी, क्योंकि जब आप जाएंगे ना तो हम लोग भी यूएस से वहां पर पहुंच जाएंगे इजाज भाई के पास, तो हम भी रिकॉर्ड करें आप लोगों को लाइव। बहुत मजा आएगा। yeah. जी, बेसिकली इसलिए भी सवाल पूछा है कि आई डोंट नो व्हाट पीपल थिंक, बट आर्टिस्ट जो है वो ना हिंदुस्तानी है, ना पाकिस्तानी है, ना अमेरिकन है, वो एक आर्टिस्ट है। जहां पर भी सुर के सुनने वाले, प्यार करने वाले, ही विल गो एंड परफॉर्म। So basically this was the thing, भैया आप लोग भी बुलाओ, हम लोग भी आते हैं, हम आपको बुलाते हैं, आप भी आओ, you know? So, दुनिया में कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर आप जाना चाहेंगे? बहुत सारे कंट्रीज है, मैं जाना एक, एक होती है कि यहां मैं जरूर जाना है, चाहे कुछ हो जाए मैंने यहां जाना ही जाना है बस। हाँ, बहुत सारे जगह है, लेकिन अभी देखिए, मैं तो यूरोप अभी गया, बहुत सारे जगह में गया यूरोप में, और अमेरिका में भी गया, लेकिन बहुत सारे जगह में नहीं गया। वहाँ जाना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान है, इच्छा तो है,
और जैसे आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन अगर अच्छा होता, पाकिस्तान मालूम ये पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, एग्जैक्टली कुछ किसी को नहीं मालूम क्या सिचुएशन है वो सर। कोई इलेक्शन के पहले कभी भी आ सकती है सब वो इलेक्शन के पहले सिचुएशन बनती। मैं ये सब पॉलिटिक्स से दूर ही रहता हूँ, अच्छा क्योंकि आई गेट सो डिस्टर्ब विथ ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हाट एवर इज गोइंग ऑन, यू नो। तो मैं जरूर पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, और ये जो सेंट्रल एशिया में इतने सारे इंटरेस्टिंग कंट्रीज हैं वहां भी जाना चाहता हूं हम भी हम भी जाना आपके चाहते हैं सर, साथ जाना बहुत दूर दूर तक चाहते हैं। हम लोग बैंड बना लेते हैं सर, एक पूरा ग्रुप बना लेते हैं बड़ा सा। वर्ल्ड घूमते बिल्कुल और मेरा वीजा वीजा का भी कुछ कर दीजिएगा आप लोग मेहरबानी करके सर, आपकी वजह से तो हमारा वीजा लगेगा। पार्ट ऑफ नहीं मैं बोलेंगे ये ग्रुप सरोद इजाज प्लेयर भाई है। को पूछ, नहीं मैं बोलेंगे ये इजाज सर, भाई को साथ नहीं में मैं बोलूंगा डालेंगे सर सरोद प्लेयर है ये, इसने एमसी करनी है और मैं सरोद उठाने वाला हूँ। तो एक नकली टीम बना के जाएंगे विजय के लिए। एनीवेज जोक अपार्ट, अच्छा अगर खाना खाने में आपको कैसी चीजें पसंद हैं, क्या खाना पसंद करते हैं? आप तो इनवाइट कर रहे थे कि आप पंजाबी खाना खिलाएंगे, एनी टाइम ऐसे बोल के एनी हमको टाइम, मुंह में पानी सर ये दिलाया सिर्फ बुलाती है, खाना मुझे बनाना पड़ता है। मुझे पता था ये यही बोलेगा नहीं, मैं भी बनाती हूँ कभी कभी हाँ कल मोनी जी ने बताया कि हम हमारे घर आइए, मतलब कि हम पंजाबी खाना खिलाएंगे। मैंने सोचा कि मोनी जी रसोई बना के में जाके खिलाएंगे कुछ पकाएंगे मेरे लिए, लेकिन आपको बनाना पड़ता। अच्छा हाँ, तो साथ साथ गुड टू में नो। हस्बैंड वाइफ जोड़ी बनाई है तो सब काम साथ में करेंगे। अगर मैं माइक्रोफोन शेयर कर सकती तो ये मेरे साथ करछी शेयर नहीं कर कर सकते हैं, कर सकते सकते, राइट हैं। तो नहीं, आप आएंगे, ये मेरे धन भाग होंगे, आपको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाएंगे, चाहे वो अच्छा लगे या नहीं लगे लेकिन फिर भी खिलाएंगे लेकिन मुझे खाना अच्छा लगता है, हर जगह का खाना का हाँ मैं मजा तो लेता ही हूँ। अभी बंगाली खाना तो घर में तो खाता ही हूँ, अगर पंजाबी खाने का कुछ इंतजाम हो जाए तो मजा आ वो भी जाए अच्छा। कर देते सर, वहीं पे किसी को ढूंढ के वहीं पे खिला देते आपको होम सर। डिलीवरी नहीं पर वैसे वैसे कुक वगैरह कर लेते हो, क्योंकि आप इतना घूमते हो, टूर करते हो, तो वहां पर होम सिक हो जाता है बंदा, तो फिर अपना खाना बहुत याद आता है, तो फिर क्या करते हो, आप बनाते हो कुछ? हाँ मैं तो बनाता ही हूँ, क्यों कौन बना के देगा हमको, मैं जब सही बात है, खुद आना खुद। चाहिए। हाँ तो हाँ सबसे ज्यादा जो आपको पसंद है कि मैं ये चीज बहुत अच्छी बनाता हूँ वो क्या है, क्योंकि हो सकता है हम ही शांति निकेतन आ जाए, मुझे पता तो हो मेरा भाई क्या बनाता है बंगाली अच्छा फिश मुझे बहुत पसंद। मैं तो चिकन बनाता हूँ, अच्छा मेरा 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 एक स्पेशलिटी है चिकन बनाने का, तो और दूसरा कुछ भी, सब्जियां बनाते हैं, दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, तो चिकन काम चल जाता है। चल तो जाता आप लोग आइए तो फिर आप स्पेशल कुछ बना के खिलाएंगे। क्या सर ओके तो फिश वगैरह भी बना लेते हैं, फिश सॉरी। फिश हाँ फिर शाम वो तो सीखना है, मम्मी से सीखना है। अच्छा मम्मी से सीखना है, तो मम्मी तो बहुत अच्छा बनाती होंगी, इसका मतलब है मम्मी हाँ मम्मी तो मम्मी से, बहुत, हमारी मम्मी भी देख रही है, अरे मेरी मदर इन लॉ देख रही है आपका आज शो। मम्मी कैसे मेरी ऑनलाइन पर है, मम्मी आपको किसने कैमरा ये फेसबुक ऑन करके दिया मम्मी के पास फेसबुक है लेकिन अच्छा बस एजाज भाई लिख रहे हैं, कुलदीप भाई मुझको भी दावत पे बुलाना, याद रखना सर दो गेस्ट हो गए हैं। बिल्कुल जरूर सर। सर और मैं आई मेक श्योर कि कुलदीप, जैसे मैं माइक्रोफोन शेयर कर रही हूँ ना, कुलदीप मेरे साथ पूरा किचन शेयर करे, आई मेक श्योर सर कल मुझे रात को बोल रही है, कल शाम को ना मेरी फ्रेंड हस्बैंड के साथ डिनर पे आ रही है, तो मैं ना मुझे क्यों बता रही है, तो बोली फिर तुम्हें पता ना क्या क्या बनाना चाहिए, मैंने वो तो इसलिए कि हस्बैंड मेरे बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ
अच्छा हाँ बिल्कुल वाह, सही। तो अच्छा अब ये बताएं कि जैसे मैंने पूछा था कि आप फ्री टाइम में आप एक तो काम कर रहे हैं, अपने डैडी की टेप्स को डिजिटल बना रहे हैं, ठीक है, व्हाट एल्स यू तो डू, यू नो आप क्या और सुनते क्या हैं, मतलब जब आप अकेले होते हो तो आप क्या सुनना पसंद करते हो? वी जस्ट वॉन्टेड टू नो कि हु यू आर एग्जैक्टली, आप कैसे क्या करते हो, क्या खाते हो बेसिकली, तो हम देखना चाहते हैं कि हमारा ये आर्टिस्ट कैसा है, तो सुनना क्या अच्छा, पसंद करते हो? शायद आपके लिए रिश्ता ढूंढ रही है चलो वो भी हो ये। सकता है, वो भी हो सकता है, क्या बात है उसमें। हाँ, क्यों नहीं क्यों हाँ नहीं। तो अभी देखिए, तो ये जब ट्रांसफरिंग जब होता है ना, तब मुझे सुनना भी पड़ता है, क्योंकि वो जो रील टू रील मशीन चल रहा है तो स्किप नहीं कर वहां सकते। भी हाँ देना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ वहाँ से कुछ भी म्यूजिक सुनता हूँ। और अब ये देखना पड़ेगा ये यहाँ वहाँ कौन सी जगह है। यहाँ वहाँ से कुछ भी सुन लेता हूँ। हाँ, जो भी अच्छा अच्छा लगता है तो मैं वैसे सुनता हूँ। फेवरेट फेवरेट सिंगर कौन है? बहुत सारे हैं, अच्छा चलो अभी एक, के अभी हाँ के या पुराने जो जो दिल में अच्छा लगता पुराने है चाहे पुराने हो चाहे नए हो। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान अरे क्या साहब। बात, मेरे फेवरेट भी हैं। हाँ, आमिर खान साहब या और बहुत सारे थे। उनका और अब के सही तो जमाना चला गया। आपके बात है। तो हाँ, अभी के तो अभी के जमाना अच्छा कुछ दूसरा जैसा है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है उल्लास कोसलकर जी और रशीद खान साहब हाँ क्या बात है, हमारे बहुत सारे लोग हैं। ओके। वैसे मूवीज वगैरह देखते हो? मूवीज समय नहीं मिलता है मूवी देखना ये आर्टिस्ट देखने बेचारा का हमारा बड़ा देखना चाहिए घर में सर। रहता है ये आर्टिस्ट, इसको बाहर निकालना पड़ेगा थोड़ा म्यूजिक वर्ल्ड सा। से दूसरे वर्ल्ड में लेके आना पड़ेगा। दोनों दोनों वर्ड्स में पूरा पैर जमा के रखना है, क्योंकि अभी जो जमाना हमारे बड़े गुलाम अली खान साहब का था, धीरे धीरे टाइम वो नहीं रहा है, टाइम बदल गया है, अब डिजिटल टाइम आ गया है, तो हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा डिजिटल होना पड़ेगा। ये नहीं कि अपने आप को चेंज कर लो, नो वो नहीं करना, लेकिन हमें वो सीखना है, दूसरा कुछ भी सीखना है, यू नो। तो अगर अगर देखो अगर मैं ये ना सीखती ये ऑनलाइन इंटरव्यूज करना, तो मैं आपको कैसे पकड़ पाती, राइट? तो ये सही नया बात। नया सिस्टम भी सीखना पड़ता है थोड़ा थोड़ा सा। तो ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं आपको याद दिला दूँ, आप अपनी किताब के खुद हीरो हैं, रिमेंबर द स्टोरी। या तो आप अपनी बुक के आई खुद हीरो हैं। हैव या आई हैव नोटेड दैट। या सो तो मैं आई विल मेक श्योर कि ये हीरो मैं इसको पूरा हीरो बनाकर छोड़ूँ। बिकॉज वी लव यू सो मच, क्या जो आपके पास आर्ट है उसकी वजह से, जो आपकी पर्सनैलिटी है उसकी वजह से, हम्बलनेस और वेरी स्वीट पर्सन, तो ये इसकी वजह से, हालांकि हम लोग कभी पर्सनली कभी नहीं मिले हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बचपन से बातें करते आ रहे हैं फ़ोन पर, ऐसा भी नहीं है, कल मेरे ख्याल से पहली बार हम लोगों ने अच्छे से बात करी है, लेकिन एक इंसान का रूह पता चल जाता है कि इसकी रूह कैसी है, ये कैसा है, तो वेरी स्वीट पर्सन। आई एम सो ग्लैड कि हम आपके साथ मिल पाए हैं। तो इसी में ही रूह खुश करने की बात से एक और कुछ म्यूजिक का कुछ अच्छा सा कोई सेशन हो जाए, क्या सुनाइए? ओके, मैं कहा तबले वाला सो ना जाए बेचारा। मैं मिश्र मान में कुछ सुनाता हूं। ओके okay.
ट्रांजिशन है ना चढ़ी, बहुत स्मूथ है। वाह,
क्या बात है, जिस सुकून से आप बजाते हैं ना, वही सुकून हमें भी महसूस होता है, और हमारी जो ऑडियंस है वो भी यही कहती है, किसी ने आपको लिखा है जादूगर। जादूगर मालूम मालूम है इसका क्या मतलब है, जादूगर का? तो आप वही करते हैं, आप ऐसा जादूगर हैं कि जिस जोन में आप होते हैं ना, आप हमको भी वहाँ पर लेकर जाते हैं विदाउट टिकट, फ्री में। सो जोन से भी जोन में आप जाते हो तो वो हमें अपने साथ ट्रैवल पर लेकर जाते हो आप भी। ये अमेजिंग चीज़ है म्यूजिक सर, आपके माँ की। बाप को बहुत बहुत प्रणाम मेरा, जिन्होंने ऐसा हीरा जन्मा। बिल्कुल। और इस हीरे की एक और खासियत मैं बताऊं, ये बड़ा छुपा रुस्तम है, इन्होंने अभी लेटली एक गजल भी कंपोजिशन उसकी की है, तो आई एम वेरी ग्लैड कि ये कंपोजर भी बहुत जल्द, इनका और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमें सुनने को मिलेंगे। और बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हो, बहुत ही अच्छा। तो सर, थैंक यू। अभी आप शो ख़त्म करने से पहले, जो आने वाले आर्टिस्ट हैं, हम हर आर्टिस्ट से पूछते हैं ये सवाल कि जो आने जी वाले आर्टिस्ट हैं उनको क्या करना चाहिए असल मायने में एक अच्छा कलाकार बनने के लिए? अभी जमाना जो है सेल्फ प्रोजेक्शन है ना, लेकिन सेल्फ प्रोजेक्शन के पहले वो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, जो सेल्फ आइसोलेशन जो है, जहाँ आप खुद यू नो अंदर से ये संगीत को अपनाएं। ये शो ऑफ का तो चीज नहीं है, मैं ऐसे ही मानता हूं। अभी बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट लोग हैं, इतने सारे यंग जनरेशन में इतने सारे गवैये हैं, और जो भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो लोग सब हैं, दे वेरी 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 प्रॉमिसिंग। आई थिंक सीखना भी है और रियाज भी करना है, और इसमें पूरा समय बिताना है हर हर किसी को। ये जो मीडिया में तो देखिए, अभी तो इतने सारे म्यूजिशियन के तो कंपटीशन भी ज्यादा है, हर कोई चाहता कि मेरा आई शुड हैव माय यू नो पोजीशन एज अ म्यूजिशियन। लेकिन सीखने का भी थोड़ा समय समय देना है, और ये डेडिकेशन जारी रखना है, क्योंकि सीखना तो खत्म नहीं हो जाता है, ये इट्स एन एंडलेस आर्ट। सो आई थिंक इफ वी फोकस ऑन दैट, तो हमारा जो फेम कहिए कि मेरा नाम कहिए, तो खुद ब खुद आ जाता है ना। तो आई थिंक यू नो एवरी एवरी आर्टिस्ट शुड डेडिकेट म्यूजिकली मोर। वेरी गुड, वेरी ट्रू। तो मकसद ये है इनका कहने का कि आप रियाज करें, और रियाज के साथ साथ आप एक उस्ताद से सीखें, और उसमें रश ना करें, आराम से सीखें, टेक योर टाइम, और उसको सीखते रहें सीखते रहें, है सर, ना? एक आपकी बहुत बड़ी फैन होने वाली विभा श्रीवास्तव, वो आपको बंगाल का जादू लिख रही है, पहले जादूगर पता है लिखा बंगाल का जादू बड़ा स्ट्रांग है। सर चढ़ के बोलता है बंगाल का था। जादू, सो वो पता चले देखो। हमारी विभा दिल्ली से बंगाल पहुंच गई है। हमने पहुंचा दिया इंटरनेट के थ्रू, बाय द वे। तो सर, कोरकर जी आप क्या कह रहे हैं, क्या बात, नाजुक नाजुक जी। अभी बहुत सारी हमारी ऑडियंस जुड़ भी रही है, और जो जुड़ी भी है उनको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आप ऑफ कोर्स आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि लिसनर की वजह से आर्टिस्ट बनता है, कि वो क्या सुनना पसंद करते हैं,
ये आर्टिस्ट उन्हीं के लिए बजाते हैं। सो आपका ये सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छी चीज़ें सुने ताकि जो आर्टिस्ट हैं वो भी अपना 100% दें और सीखे और अच्छा बजाए और आपको एंटरटेन करें। तो हम लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि हमारा जो आर्टिस्ट है, आपका निकनेम भी है एक बाबुआ बाबुई बाबुई बाबुई, तो ये मम्मी ने रखा है, किसने रखा नाम? मम्मी पापा नहीं रखे हैं। अच्छा, मम्मी पापा नहीं रखे हैं। निकनेम तो माँ बाप भी रख सकते हैं सर। बिल्कुल सर। तो हम अलविदा चाहेंगे इस वक्त के लिए, क्योंकि मुझे पता कि बैक होम भी बहुत लेट हो चुका होगा और दिल तो नहीं चाहता, क्योंकि इतना अच्छा समा आपने बांधा है। वन थिंग वंस अगेन, अपनी मदर को जाके हमारा प्रणाम जरूर देना। आप जैसे आर्टिस्ट जब हम सुनते हैं तो हमारा दिल करता है कि उनके माँ बाप को भी मिले, उनका भी शुक्रिया करें कि उन्होंने इस कॉम को, इस देश को, इस म्यूजिक को एक ऐसा आर्टिस्ट दिया है जिसका नाम सदियों तक रहने वाला है सर। So we are so proud to have you on my TV, Shugoto Roy Chaudhary. आप लोगों को सुनते हैं तो हमारा दिल बोलता है, we are proud to be Indian. मुझे भी बहुत अच्छा लगा हमको माई टीवी पे बुलाए, और वंडरफुल हॉस्पिटलिटी एंड वार्म वेलकमिंग, आई एंजॉयड वेरी मच। सेम हियर। ये हमारा भी, और पिछले तबले वाले भाई साहब की भी बोलना, उनको भी हमारा तरफ से नमस्कार उनको भी। हाँ, अभी मैं थोड़ा हेडफोन निकाल दूँ। ठीक है, आपने तबले में बहुत अच्छा आपने संगत किया, इनको बहुत थैंक यू। तो आई होप कि जैसा हम इंजॉय कर रहे थे आप भी पूरा मजे ले रहे थे। मजे ले रहे थे कि तबले के पीछे किसी को टेक्स्ट कर रहे थे वहां बैठे टिक टिक टिक। वो भी साथ में चलता है। सो इसी नोट पे हम हंसते हंसते अलविदा लेते हैं सर आपसे। बहुत जल्द मुलाकात करेंगे, अगर हिंदुस्तान में नहीं तो पाकिस्तान में तो जरूर करेंगे। ठीक है, सो मोनिकिल की तरफ से बिल्कुल भूल गए कि आप इनवाइट किया है। ओह, आपने अमेरिका में मिलेंगे सर। बिल्कुल कुलदीप के हाथ का खाना खिलाएंगे। ठीक है सर, ओके। और इजाज भाई को लेके आएंगे एक साथ। इजाज भाई तो हमारे घर के मेंबर ही है सर। वो तो चाहे कोई, वो हर गेस्ट के साथ वो हमारे साथ आएंगे, वो पैकेज डील है। मैं इजाज भाई के साथ आऊंगा। ठीक है सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। फिर हम अब अलविदा लेते हैं माई टीवी से। नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्कार। सलो जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट साडे सरोद वादक, और व्हाट अमेजिंग पर्सनालिटी जिनने ओ हंबल ने, उन्हां दी हंबलनेस उन्हां दे म्यूजिक च नजर आंदी है। ठहराओ नजर आंदा, एक एक सुर ते ठहराओ। और वाकई ये सरोद जिहड़ा बहुत ही मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है, इच सुर नहीं है गे, लबने पेंदे ने। और कमाल दे आर्टिस्ट ने भाई, इंडिया च पाकिस्तान च वाकई जादूगर है। तो विवा, हमारी तरफ से भी सत श्री अकाल बुला दिया। अगली बारी तुम हमेशा लिखती हो, मैं लेट हो जाती हूँ, कहाँ जाती हो भैया ये बता के जाया करो। अच्छा, और मैं बता दूँ, जो अगले हुन थर्सडे नू सानू आर्टिस्ट ज्वाइन कर रहे ने, आई एम सो प्राउड टू हैव हर, फरीदा खानुम जी। सो आ देखो जी, फरीदा खानुम जी सानू ज्वाइन कर रहे ने। डेट हैगी सेप्टेंबर 17th। और ए जी, ये सिर्फ ये नाम नहीं है, ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਫਨਕਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਟਰ ਫਰਜ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਨੱਕੀ ਅਲੀ ਖਾਨ। ਨੱਕੀ ਅਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮਿਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ, ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੇ। ਔਰ ਇਟਸੈਲਫ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਘਰਾਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਰੀਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਘਰਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰ ਵੱਡੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀਗੇ ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰਾਣਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਘਰਾਣਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ। ਸੋ ਦਿਸ ਕਮਿੰਗ ਥਰਸਡੇ 17th ਸਪਟੈਂਬਰ 17th 12 ਵਜੇ US ਟਾਈਮ
9 o'clock. एक अनोखा किस्म का ये होने वाला है जी, ये गल्ला बातें ज्यादा होनगियां। रीजन क्योंकि फरीदा जी हुण एज भी बहुत हो गए ने, लेकिन जिहड़ा उन्हां दा आवाज़ दा जादू है ना, वो एंडलेस है, वो कदी ना खत्म होने वाला। बस तुसी उस दिन एक कम करना, आज जाने की जिद ना करो बस। बिल्कुल, ते ओदे नाल असी तुहानू सारिआं नाल मुलाकात करांगे। सो मेक श्योर सितंबर 17। सो हुण असी अलविदा लैंदे हां। सत श्री अकाल, रब रखा, और अपनी लिस्ट जिहड़ी तुहानू लगदा कि कोई फनकार तुसी सुनना चाहुंदे हो जरूर सेंड करो। ते हुण जाण तों पहला की करना आपां? एडवरटाइजिंग, ओके सो okay. लो जी एडवरटाइजिंग सुनते हैं और मिलते हैं सितंबर 17। राम जी एस्ट्रोलॉजर, एवरीथिंग बिगिन्स विद फेथ, वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। राम जी इज इन द यूएसए। वर्जीनिया ऑफर्स रिलायबल एंड प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशंस टू ऑल ऑफ लाइफ्स प्रॉब्लम्स। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रॉमिस। फोन नंबर इज 571-551-8142। Email is ramjiastrologer@yahoo.com. Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful because clients trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business and we do speak your language. Thank you. Chalo khatle, chalo khatle, chalo pagle, har har har. Allah.